अजीब दास्तां है ये ज़िंदगी की, कभी करीब तो कभी दूर छोड़ देती है ये। जब भी लगता है करीब हूँ बड़ा मंजिल के, हर नए मोड़ पर नया मोड़ देती है ये। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। आप सभी का द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज में बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हूँ आप लोगों के बीच फिर से रिवीजन 12 क्लास 12 के लिए। ये 12th रिवीजन वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज लेके चल रहा हूँ। हर एक वीडियो को अच्छे से शुरू से लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी इग्नोर ना करो कि नहीं ऐसे क्वेश्चन कहाँ आएंगे एग्जाम में, बिल्कुल आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अभी पिछले वीडियो में रिवीजन 11 में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के लिए थे, आज उसी के आगे मैं शुरू कर रहा हूँ और उनके क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। आई होप कि आप लोग की अच्छे से तैयारियां चल रही होंगी। तो चलिए लेता हूं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा आज का पहला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, फाइंड करना है डीवाई बाई डीएक्स। याद करो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग सब्सिट्यूट करते हैं, एक्स की जगह पे कुछ वैल्यू रखते हैं जिससे फार्मूला सेटअप होता है और इजिली हम अपने फार्मूले का यूज कर सकते हैं, बशर्ते आपको इनवर्स का फार्मूला जरूर याद होना चाहिए। मैं आपको याद दिला दूं, यहां पे रूट में लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस एक्स एंड 1 प्लस कॉस एक्स। हमारे पास कॉस 2x का फार्मूला होता है, एक ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक होता है साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। मैं इसे क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि यहां देखो एक में प्लस में है 1 और 1 के बाद माइनस है और एक में ये प्लस में है 1 उसके बाद प्लस है। मींस अकॉर्डिंग टू आवर नीड ऐसा हम फार्मूला यूज करेंगे कि 1 वहां से एलिमिनेट हो सके। एक चीज और गौर करने वाली चीज है कि जब यहां कॉस 2x होता है तो उसका एंगल हाफ यानी एक्स हो जाता है, तो अगर यही चीज कॉस एक्स हो जाए तो यहां 1 का हाफ तो 1/2 ही होगा ना, तो मीन्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, या फिर इसे मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूं, है कि नहीं। चलिए सब्सिट्यूट करके यहां पे देखते हैं, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, तो यहां पे मैंने ये वाला फार्मूला ले लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, उसकी जगह ये लेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट, ये ब्रैकेट डिस्क्लोज किया तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, मीन्स क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। भाई नीचे नहीं ऊपर भी कैंसिल हो रहा, ये देखो 1 कैंसिल हो गया, और जब ये 1 नहीं बचा तो ये ऊपर नीचे 2 भी तो कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज रूट लगा है तो ये स्क्वायर हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा टेन एक्स बाई 2, यहां टेन से टेन इनवर्स हो गया कैंसिल, तो क्या बचा y इज इक्वल टू एक्स बाई 2। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने पर, अवकलन करने पर 1 बाई 2, x का क्या होता है 1, मीन्स हमारा dy बाई dx यहां कितना आ गया 1 बाई 2 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लें। तो ये रहा हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन, साइन एक्स टू पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, मीन्स डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन एक्स टू पावर कॉस एक्स। याद करिए मैंने कल वाले वीडियो पे बोला था आपसे कि अगर वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल वाले टर्म आ जाते हैं तो वहां पे जरूर हमें लॉग लेना होता है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे वाई कह दिया, अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लेने पर दोनों पक्षों में लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स टू पावर कॉस एक्स। अब आप याद कीजिए मैंने आपको लॉग के 3 रूल बताए थे, बताया था कि लॉग एम इंटू एन को हम लिख सकते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन, और लॉग एम बाई एन को लिख सकते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम टू पावर एन को लिख सकते हैं एन लॉग एम, तो ये तीसरी कैटेगरी में आ रहा है, इसलिए हम इसको लिख देंगे लॉग वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स
log साइन x, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x या x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो log y का क्या होता है, 1/y, y वाले में हमेशा dy/dx अटैच हो जाता है। अब ये uv टाइप का है ना, जिसे आप फर्स्ट सेकंड भी कह सकते हो, फर्स्ट d/dx सेकंड प्लस सेकंड d/dx फर्स्ट, यानी इसे हम लिख सकते हैं cos x d/dx log sin x प्लस log sin x d/dx cos x, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/y dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ है cos x, log x क्या होता है 1/x, तो ये log sin x है तो ये 1/sin x हो जाएगा, और इस sin का हम करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, ठीक है। अब हमेशा याद रखो, जो भी d/dx के लेफ्ट में है ना, उसे एज इट इज रख दिया जाता है, हम लोग d/dx के जो बाद होता है उसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसका मतलब ये जो log sin x, ये एज इट इज रख दिया जाएगा, ठीक है भाई, हमने log sin x को ऐसे ही रख दिया है, और cos का क्या होता है माइनस साइन एक्स, सो ये आ गया माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया 1/y dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे हम देखिए क्या है, ये तो cos था ही, log sin का 1/sin और sin का cos, तो या तो इसमें मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दें, या फिर चलो स्क्वायर ही कर देते हैं, तो cos स्क्वायर x अपॉन साइन एक्स, और ये माइनस बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा log sin x इंटू साइन एक्स, भूल के भी इसमें मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि log में है इसलिए उसमें आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो वैसे ही रहेगा। अब जो ये y है ना, उधर चला जाएगा, तो उधर जाएगा ये, तो हमने ये y लिख दिया, और ब्रैकेट में उसी चीज़ को रिपीट कर देंगे, यहाँ पे cos स्क्वायर x अपॉन साइन एक्स माइनस log sin x इंटू साइन एक्स, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा dy/dx, y की वैल्यू मैं रखूँगा कितना है, साइन x टू होल पावर cos x, ठीक है। और ये भाई देखिए, ये जो y वही तो है जिसको हमने सपोज किया था, तो उसकी यहाँ पे वैल्यू रख देनी होती है, तो ये हो गया cos स्क्वायर x बाई साइन x माइनस log sin x इंटू साइन x, बस यही हमारी वैल्यू हो गई, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हेलो ये स्टूडेंट्स, देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी, वी हैव टू प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू cos x अपॉन 2y-1, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लें। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई। आप कहेंगे इसको y क्यों लिख लिया, तो आप देखो ना y है क्या, साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक, तो यहाँ मैंने ले लिया तो ये भी इन्फिनिटिव ही है ना, इन्फिनिटिव की कोई लिमिट तो है नहीं, तो हम यहाँ पे y रख सकते हैं। तो अब यहाँ रूट लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायरिंग या फिर वर्ग करने पर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा साइन एक्स प्लस वाई। अब अगला स्टेप हमारा क्या है, अगला स्टेप वही है डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मीन्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब जो y स्क्वायर है इसका क्या हो जाएगा, 2y dy/dx अटैच होता है, साइन का क्या होता है cos x, और इस y का 1 होगा, लेकिन y जहां भी होता है dy/dx ये अटैच हो जाता है, उसका डिफ्रेंशिएट करते हो। अब क्या करोगे, अब आप क्या करेंगे, dy/dx वाले दोनों एक तरफ ले लेंगे, तो यहां मैंने लिखा dy/dx माइनस dy/dx इज इक्वल टू cos x। अब यहां हम dy/dx कॉमन ले सकते हैं ना, तो क्या बचेगा, इधर 2y बचा, इधर कुछ नहीं है तो 1 बचा, यहाँ हमने लिख दिया dy/dx इज इक्वल टू cos x। तो देखिए जरा dy/dx की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, cos x अपॉन 2y-1, यही हमें प्रूव करना था, है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन।
ये रहा हमारा आज का फोर्थ क्वेश्चन, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए x is y is equal to 3 cos log x plus 4 sin log x, then prove that x square y2 plus x y1 plus y is equal to 0। स्टूडेंट सबसे पहले आप ये जान ले, जो y2 लिखा है इसका मतलब है सेकेंड डेरिवेटिव या द्वितीय अवकलज, जो y1 लिखा है इसका मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव या प्रथम अवकलज, और जो y लिखा है वो तो यही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से पहले y1 y2 की वैल्यू निकालते हैं, फिर यहाँ सब्सिट्यूट करके देखेंगे, जीरो आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, y1 ले लिया, मैंने अभी बताया y1 का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव प्रथम अवकलज, मीन्स dy बाई dx। तो यहाँ पे 3 है, कॉस का आपको मालूम है माइनस साइन एक्स होता है, नहीं हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स इनटू इस लॉग एक्स का करेंगे तो कितना होगा 1 बाई एक्स प्लस 4, ये साइन है, साइन का क्या हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, फिर उसी तरह इस लॉग एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं वाई वन इज इक्वल टू माइनस 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस log x अपॉन x। ये समझो कि हमने LCM ले लिया या फिर कॉमन ले लिया, भाई 1 बाई एक्स दोनों में था ना, तो x अगर LCM लिया तो ऊपर एज इट इज रख दिया जाएगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, हमारा ये y1 निकल गया, पर अभी हमको ज़रूरत है y2 की। तो ठीक है, y2 मतलब क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मीन्स इसी का एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये इसको आप देख के पहचान रहे होंगे, ये यू बाई वी टाइप का है ना, ये हमारे पास फार्मूला होता है, इससे पहले मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, डी वाई बाई डी एक्स यू बाई वी इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर वी डी बाई डी एक्स यू माइनस यू डी बाई डी एक्स वी। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब y2 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v की जगह x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर वहाँ पे v मीन्स x डी बाई डी एक्स इस पूरे का डी बाई डी एक्स, चलो मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, माइनस 3 साइन का होता है cos log x, और log x का फिर से वही 1 बाई एक्स आना है। ठीक है, तो भाई ठीक है 1 बाई एक्स आ गया फिर से, प्लस नहीं यहाँ पे तो माइनस हो जाना है क्योंकि ये 4 है, कॉस का माइनस साइन एक्स होता है ना, तो माइनस साइन लॉग एक्स, और फिर इस लॉग एक्स का करेंगे तो 1 बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस भाई ये तो हमने इतना ही किया है ना, वी डी बाई डी एक्स यू, अब माइनस यू डी बाई डी एक्स वी, यानी ये पूरा रहेगा। अब देखिए इधर स्पेस नहीं है तो मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये ऊपर का पार्ट ही है, अभी नीचे मत समझिएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा माइनस 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 cos log x into x का करेंगे। ठीक है, इस x का करोगे, v क्या x ही तो है, तो उसका तो 1 हो जाना है, मीन्स कोई चेंज नहीं आना है। ठीक है, ये अपर पार्ट है, ध्यान रखना। फिर अब इसको हम जरा और सिंप्लीफाई करने की सोचेंगे। सबसे पहले तो ये है कि ये जो आप देख रहे हो यहां x ना, इस x का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो 1 बाई एक्स है इसका काम खत्म हो जाएगा, ध्यान रखिए, या 1 बाई एक्स आप कॉमन लीजिए तब भी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 3 कॉस लॉग एक्स माइनस 4 साइन लॉग एक्स माइनस, देखिए यहाँ पे एक माइनस लगा है जो कि फार्मूले का माइनस है, और ये माइनस इसमें पहले से है। ठीक है, तो फिलहाल ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस 3 साइन लॉग एक्स, एंड ये माइनस में हो जाएगा ये वाला माइनस 4 कॉस लॉग एक्स। ठीक है, इस पूरे के नीचे कितना आना है, एक्स स्क्वायर आना है। चलिए फिर देखते हैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई, तो ये माइनस 3 कॉस लॉग एक्स है और ये माइनस 4 कॉस लॉग एक्स है, तो मीन्स दोनों जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, माइनस 7 कॉस लॉग एक्स, और ये माइनस 4 साइन लॉग एक्स 3 साइन लॉग एक्स, ये घट जाएगा, मीन्स माइनस 1 साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे y1 भी निकाल लिया, y2 भी निकाल लिया, और y तो ऑलरेडी हमको दिया है, तो ये जो पोर्शन हमें प्रूव करना है इसका LHS लेते हैं, इसमें इन सभी की वैल्यू y1 की y2 की y की सब्सिट्यूट करते हैं, देखते हैं जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा वहाँ पे LHS है या बायां पक्ष है वो क्या है,
एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई, इसके इक्वल में हमें जीरो ले आना है, ध्यान रखिएगा। तो अब जरा देखिए, एक्स स्क्वायर यहां है, वाई टू ये मेरे सामने ही है, देखिए तो ये एक्स स्क्वायर ऊपर है और ये नीचे है, तो फिलहाल ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसे यहां पे डायरेक्टली लिखे दे रहा हूं वाई टू में, ये तो कैंसिल हो जाना है, केवल यही बचेगा, ये क्या है माइनस सेवन कॉस लॉग एक्स माइनस साइन लॉग एक्स प्लस एक्स वाई वन, वाई वन पर भी नजर कर लीजिए, ये देखिए एक्स नीचे है और ये एक्स ऊपर है, यानी ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा वो यही है, वो क्या है माइनस थ्री साइन लॉग एक्स प्लस फोर कॉस लॉग एक्स, ठीक है प्लस वाई, वाई कहाँ है वो है, ये है थ्री कॉस लॉग एक्स प्लस फोर साइन लॉग एक्स, ठीक है। अब आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे है माइनस सेवन कॉस लॉग एक्स और ये है प्लस फोर कॉस लॉग एक्स, ये है प्लस थ्री कॉस लॉग एक्स, तो फोर प्लस थ्री ये सेवन हो गया, ये माइनस सेवन से कैंसिल हो गया, और यहाँ प्लस फोर साइन लॉग एक्स है, और यहाँ पे देखिए माइनस वन साइन लॉग एक्स माइनस थ्री साइन लॉग एक्स, मीन्स ये भी हो जाएगा माइनस फोर साइन लॉग एक्स, यानी ये भी इससे कैंसिल हो गया। तो भाई जब सब कैंसिल हो गया तो बचा क्या, जीरो, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन, इसको देख लीजिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ये रहा हमारा आज का पांचवा क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं 13, 16, 17, 18, 19 लगातार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इफ वाई इज इक्वल टू एक्स टू पावर एक्स टू पावर एक्स टू पावर इंफिनिटी, कहां तक जाएगा ये इंफिनिटी तक, तो आपको प्रूव करना है कि डीवाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वन माइनस लॉग एक्स के इक्वल होगा। तो ये भी उसी केस में है लॉग लेने वाले में, सबसे पहले तो अभी जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था, इसको भी x टू पावर ऐसे y लिख देंगे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं y क्या है, उसकी पावर बढ़ता जाएगा इन्फिनिटिव तक, तो y ही तो है। फिर अगला स्टेप हमारा क्या होता है, हम लॉग लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, तो सबसे पहले जब यहाँ पे हम लॉग लेते हैं तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग x टू पावर y, फिर से वही लॉग की तीसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो ये जो y है पहले आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा लॉग x। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स या एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए वन लॉग वाई का क्या होता है, वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और ये फर्स्ट सेकेंड या यूवी में अप्लाई हो जाएगा। आपको कई बार बताया है कि अगर y लगा हुआ है तो उसका डिफरेंशिएट तो होता उसी तरह है, पर डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है अटैच कर जाता है। तो ये y log x का क्या होता है, वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स, वाई का क्या होगा वही डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड कर लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, तो यहां पे वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। भाई ये वाई इंटू वन बाई एक्स लिखा है, तो इसे वाई अपॉन एक्स लिखने में कोई हर्ज तो नहीं है। अब देखिए यहाँ पे फिर मैं अगर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लूँ तो यहाँ वही बचेगा क्या, वन बाई वाई माइनस लॉग एक्स एंड दिस इज नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये वाई यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा वन माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब आप देखिए हमें तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, तो ये पार्ट हम उधर ले जाएंगे, तो जो ये लोअर पार्ट है ये अपर पार्ट में मल्टीप्लाई होगा और जो अपर पार्ट है वो लोअर पार्ट में, उसी को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। मीन्स ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू वाई क्या वाई स्क्वायर और ये एक्स इंटू ये जो ब्रैकेट में है वन माइनस वाई लॉग एक्स। ये देखिए प्रूव हो गया हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। तो ये रहा हमारा आज का सिक्स क्वेश्चन, ये क्या है, y इज इक्वल टू थ्री ई टू पावर टू एक्स प्लस टू ई टू पावर थ्री एक्स है, तो ये प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव डी वाई बाई डी एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट्स बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा, अभी मैंने y2 को कहा था क्या सेकंड डेरिवेटिव या द्वितीय अवकलज, ये वही है, और dy by dx
को ही हम वाई वन या वाई डैश या इसको वाई डबल डैश कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन लिख के आ सकता है, आपको इसे अच्छे से समझे रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह बारी बारी से हम डीवाई बाई डी एक्स इसका निकाल लें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल लें, एंड फाइनली इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, जीरो आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी 2019 में पूछा गया था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया भाई, डीवाई बाई डी एक्स निकाल लिया, तो ये 3 है। अब आपको पता है ई टू पावर एक्स का हम डिफरेंशियल निकाल रहे हो या इंटीग्रेशन, दोनों ही सेम होता है, यानी ई टू पावर 2x का ई टू पावर 2x ही होगा, लेकिन जब इस 2x का करेंगे तो x का 1 होता है, 2 बच जाएगा, और यहाँ 2 है ई टू पावर 3x, जब इस 3x का करेंगे तो x का 1 होता है, ये 3 बच जाएगा। मीन्स क्या बचा हमारे पास, डीवाई बाई डी एक्स 3 × 2 = 6 ई टू पावर 2x प्लस 6 ई टू पावर 3x। लेकिन अभी ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकला है, सेकंड डेरिवेटिव की भी हमको जरूरत पड़ेगी, तो ठीक है निकाल लेते हैं उसको भी। तो यहाँ पे हमने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 ई टू पावर 2x का ई टू पावर 2x ही होगा, और इस 2x का करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि x का 1 होता है, केवल 2 बचेगा। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे ई टू पावर 3x और 3x का करेंगे तो x का 1 होता है, 3 बचेगा। What we have now, this is 6 × 2 = 12 e to power 2x, 6 × 3 = 18 e to power 3x। बिल्कुल सिंपली हमने प्रथम अवकलज और द्वितीय अवकलज, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकेंड डेरिवेटिव दोनों को फाइन कर लिया है। अब जो प्रूव करना है हमने उसका LHS या बायां पक्ष ले लिया, वहां पे क्या लिखा हुआ है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डीवाई बाई डी एक्स प्लस 6y, इसके इक्वल में हमें 0 लाना है। तो भाई सबसे पहले सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये 12 ई टू पावर 2x प्लस 18 ई टू पावर 3x माइनस 5 डीवाई बाई डी एक्स, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस लगा है, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 6 ई टू पावर 2x प्लस 6 ई टू पावर 3x, ठीक है। तो अब आगे, हाँ 6y बच रहा है, यानी 6 इंटू वाई वही है जो हमें पहले से दिया हुआ है, e टू पावर 2x प्लस 2 e टू पावर 3x। अब हम क्या करेंगे इसको, 12 e टू पावर 2x प्लस 18 e टू पावर 3x, ये ब्रैकेट खोला तो माइनस 30 ई टू पावर 2x माइनस 30 ई टू पावर 3x प्लस इस 6 का इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो 18 ई टू पावर 2x 12 ई टू पावर 3x, ठीक है। अब देखिए 18 और 12 30 हो गया ना, प्लस में है दोनों, और ये देखिए माइनस में है 2x वाले, और 3x वाले भी देखिए 18 एंड 12 प्लस में है, ये 30 हो जाएगा, और माइनस वाला ये है, यानी ये भी कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल इजीली हमारा ये भी जीरो आ गया। तो स्टूडेंट्स आज यहीं तक, कल की वीडियो में इसके बचे हुए क्वेश्चन, मींस कल इस चैप्टर का फाइनल वीडियो होगा, उसके तुरंत बाद में आप लोगों के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक को लेकर के आऊँगा। तो कल वाले वीडियो में इसके कुछ और बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर लें। थैंक यू।